बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 2.5। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i - 8j + k इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i - 4j - 12k। हमें वेक्टर ए का प्रोजेक्शन मालूम करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी। बी की डायरेक्शन में वेक्टर ए का प्रोजेक्शन मालूम करना है। अगर थीटा एंगल हो, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एंड बी, ये जो दो वेक्टर्स ए और बी हैं, जैसे ये हमारे पास वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है। अगर हम ए से परपेंडिकुलर गिराएं वेक्टर बी के ऊपर, दिस इज वेक्टर बी, अगर मैं परपेंडिकुलर गिराऊं तो ये तो है परपेंडिकुलर, तो ये ए कॉस थीटा, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए कॉस थीटा। तो थीटा अगर एंगल हो ए और बी के दरमियान, देन ए कॉस थीटा इज द रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन। तो जो ए कॉस थीटा है ये रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन होगा जो हमने मालूम करना है। वी नो दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, एज वी हैव टू फाइंड ए कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा ए डॉट बी और ये बी इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा आ जाता है ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, दिस इज वेक्टर बी इज 3i - 4j - 12k, इट्स मैग्नीट्यूड इज 3² + -4² + -12² होल स्क्वायर रूट, 3² 9, नेगेटिव स्क्वायर बिकम पॉजिटिव, मनफी का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। बी इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो ये बनता है 169 का स्क्वायर रूट, और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, तो बी की मैग्नीट्यूड है 13। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी वेयर ए इज 2i - 8j + k, डॉट बी इज 3i - 4j - 12k डिवाइडेड बाय 13। ए कॉस थीटा इक्वल्स 2i को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से, k को k से। जब हम i को j से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, j को k से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, सर k को i से करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, जस्ट सिमिलर कॉम्पोनेंट जो है ना आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो -8 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × -4 ये प्लस का 32 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, के का कोफिशियंट 1 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आता है, डिवाइडेड बाय 13। ए कॉस थीटा इक्वल्स 32 + 6 = 38, 12 - 26 = 26, तकसीम 13, 26 तकसीम 13 इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी इक्वल टू 2, हेंस वी गॉट ए कॉस थीटा इक्वल टू 2।